अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं सब लोग खैरियत से होंगे। तो दोस्तों आज के नज़ारे कुछ ऐसे का, आज है इज्तिमे का तीसरा दिन। चलिए दोस्तों आज आप लोगों को दिखाते हैं भाई, कल दुआ है, आज आखिरी दिन है। तो जितने भी लोग बचे हुए हैं, सिटी के लोग हैं या बाहर के लोग हैं, सारे लोग आज इज्तिमे की तरफ रवाना हो रहे हैं। तो इतना लंबा भी यहाँ पर ट्रैफिक लगा हुआ है रोड पर। आगे जमात है आपकी? सुल्तानपुर। देखो इंदौर से? और बढ़िया से। कहाँ से हो? आंध्र प्रदेश। अरे माशाल्लाह, देखो यहाँ पे सब्सक्राइबर मिल गया आंध्र प्रदेश से। बढ़िया बढ़िया। चचा कह रहे हैं आपके वीडियो बहुत देखी हमने। सलाम अलैकुम, दुआ में याद रखें। और खैरियत से? बढ़िया। और सब बढ़िया खैरियत। रोडों पे जितनी भी भोपाल के चौराहे हैं वहाँ पर ट्रैफिक कंट्रोल के लिए वहाँ पर वॉलंटियर्स लगे होते हैं। ये देखिए अभी उनकी आवाज़ आ रही होगी आपके यहाँ पे। कितने वॉलंटियर्स होंगे तकरीबन? 10,000 वॉलंटियर्स हैं। लगभग 10,000 वॉलंटियर्स लगे जो ट्रैफिक को कंट्रोल कर रहा है यहाँ पर भोपाल के चारों तरफ से, क्योंकि एमपी और एमपी के बाहर से भी लोग आते हैं गाड़ियों से अपने, तो उनके लिए भाई कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए इतने सारी तादाद में लोग यहाँ पर लगे होते हैं। ये देखिए यहाँ पर भाई इंतजाम चल रहे हैं लोगों के लिए, चाय पानी के लिए। यहाँ पर लोग रुक रुक कर चाय नाश्ते भी कर रहा है रास्ते में। अच्छा अच्छा, खाना लाए आप? चलिए इंशाल्लाह मुलाकात होगी तो साथ खाना खा लेंगे। खुद के लिए काउंटर लगे हुए जहाँ पर चाय नाश्ता पानी चल रहा है। चाय पीते हैं हम भी यहाँ पर। वालेकुम सलाम, खैरियत से? और खैरियत से? क्या क्या क्या? अरे वाह, कैसे आवाज लगाते हो सबको बुलाने के लिए? माशाल्लाह बढ़िया बढ़िया। कितने इधर भाई के साथ भी एक मजा है। तो दोस्तों अभी हम लोग इज्तिमा में आ गए यहाँ पे, और यहाँ पर देखो अभी हम काफी एंड एरिया में, यहाँ पर भी पंडाल जो है कि फुल हो चुके हैं, और अभी ये लोग बिस्तर लेकर भी आए क्योंकि आज संडे का दिन है ना, शाम को कल सुबह दुआ है, तो ऑलमोस्ट आज शाम तक तो पूरा फुल हो ही जाते हैं सारे जितने भी टेंट होते हैं, तंबू होते हैं। कि आप इस तरीके से यहाँ पे ये पूरा फुल हो। वालेकुम सलाम, खैरियत से? आपकी वीडियो देखी थी हमने। कहाँ से हो? कहाँ से हो? यूपी। यूपी से हो? शुक्रिया शुक्रिया। कि दोस्तों यहाँ पर सारे खेमों में लोग बैठ कर अभी बयान सुन रहे हैं। देखिए दोस्तों अभी यहाँ पर बयान चल रहा है, तो सारे लोग यहाँ पर खेमों में ही बयान सुन रहे हैं। और खैरियत से यहाँ सब्सक्राइबर आ गए खैरियत से। तो भाई यहाँ पर जगह मिल चुकी है, कितने लोग हो? चार लोग हो जाएंगे। और क्या हाल चाल? खैरियत से? कोई सर्दी कैसी पड़ रही है यहाँ पे भाई? बहुत शानदार शानदार, तो पोस्ट टपक रही है पानी की तरह टप टप। अच्छा, अशोक नगर वाले जोन में अभी हमको थोड़ी सी जगह मिल गई यहाँ पे, तो अभी हम बिस्तर यहाँ पे जमा लेते हैं। असर का बयान कंप्लीट हो गया है, अभी उसके बाद मगरिब के लिए तकरीबन 10-15 मिनट बचे हैं, तो उसके बीच में थोड़ा सा गैप दिया जाता है ताकि लोग फ्रेश वगैरह हो जाएं, कुछ अपने ज़रूरत पूरी कर लें ना। अल्हम्दुलिल्लाह अभी मगरिब की नमाज़ हो गई यहाँ पे, और अभी कुछ देर में यहाँ पर बयान शुरू होने वाले हैं। तो भाई यहाँ पर देखो सब्सक्राइबर आ गए यहाँ पे। कहाँ से आप लोग? अशोक नगर जिले से। अशोक नगर, अशोक नगर से। ये मगरब के बाद बयान शुरू हो गया, और सबसे पहले यहाँ पे बयान हो रहा है भी मौलाना साहब कह रहे हैं। सबसे पहले तो बयान शुरू होने से पहले सब लोग अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर लें, तो बयान अच्छे से सुने। तो यहाँ पर देखो इन लोगों ने भी अपने मोबाइल बंद कर लिए, बंद कर दिया, और हम भी अब थोड़ी देर के लिए मोबाइल बंद कर रहे हैं, इसलिए थोड़ी देर में आपसे मिलते हैं। अब बयान सुनेंगे आराम से बैठ के।
भाई कैमरा ना चलाए। ये तो गई है, ये दोस्तों अभी यहाँ पर अभी देखिए खाना खाने के लिए आए हम लोग। यहाँ पर फूड जोन लगा हुआ है, यहाँ पर देखिए कितनी सारी पब्लिक यहाँ पर लाइन में लगी हुई है अभी। ये देखो सारे लोग अभी लाइन में लगे अली भाई। ये देखिए आप यहाँ पर ये फूड जोन लगा है यहाँ पे पूरा। यहाँ पर कौरमा रोटी है 60 रुपये में पेट भर के खाना। और सीहोर जोन है आगे साइड में जाएंगे तो यहाँ पर बिरयानी ज़रदा मिलेगा पूरा। इस तरफ भी खाने के जोन लगे हैं यहाँ पर 60 रुपये में पेट भर के खाना, बिरयानी ज़रदा है। इस तरफ रायसेन जिले का यहाँ पर जोन लगा, यहाँ पर भी आपको कौरमा माल्टे मिलेंगे 60 रुपये में। वालेकुम सलाम। अभी हम लोग डिसाइड कर रहे हैं कि क्या खाएंगे, क्या खाने वाले। यहाँ पर देखो कितने सारे जोन यहाँ पर हैं भाई। तो अभी हम आ गए यहाँ पर क्रोशी जोन है यहाँ पे। यहाँ पर भी भरपेट खाना है 60 रुपये में। यहाँ पर टोकन लेना पड़ेगा सबसे पहले हमको, क्योंकि दोस्तों इतना सारा मजमा होता है कि यहाँ पर हर होटल के ऊपर अभी टोकन के लिए लाइन लग रही है। उसके बाद फिर खाना खाने के लिए जोन को जाना है तो उनके लिए भी लाइन लगी यहाँ पे। ये देखिए सारे लोग अभी लाइन में लगे हुए, हम भी लाइन में लग जाते हैं यहाँ पे। ये देखो भाई सही लाइन में तो लगे अपन, ऐसे नहीं गलत लग गए। बर्जी लिया, अरे भाई टोकन आ चुका है यहाँ पे। कुरैशी जोन आरिफ नगर हल्का आ गए, टोकन आ गया खाने का। उसके बाद अभी लाइन में लगे, लाइन जब धीरे धीरे आगे बढ़ेगी तो फिर हम इंटर होंगे अंदर साइड में। सब मारे ये लीजिए सब। तो अभी आ गए अंदर साइड में और यहाँ पर खाना चल रहा है माशाल्लाह। देखो सारे लोगों को यहाँ पर बैठा के खाना खिला रहे हैं। भाई को शुक्रिया भाई। भाई आमिर भाई, अच्छा बाल्टी में सालन ये आ गया है कोरमा अपना बाल्टी में से। भाई बस 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 ज्यादा भाई, शुक्रिया भाई। यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर आपको बैठा के खाना खिलाया जाता है 60 रुपये में, आपको पेट भर के खाना मिलेगा। जैसे कि अभी हमारे सामने आ चुका है यहाँ पर कोरमा है, मांडे है, मीठा है, जर्दा उजेर पेट भर की खाना है। अम्ब्रेला खाना हो चुका है यहाँ पर। और ये देखिए पीछे साइड में किचन में किस तरीके से यहाँ पर खाना तैयार हो रहा है। ये देखिए इस तरफ भगोने चढ़ो हुए, सालन तैयार हो रही है। इस तरफ आप देखें रोटी मांडे तैयार हो रहा है यहाँ पे। वालेकुम सलाम, क्या नाम है तुम्हारा भाई? आमीन। वो कब से खड़े थे? आधा घंटा भाई। आधे घंटे से भाई हम लोग खाना खा रहे थे अंदर जोन के अंदर। भाई इन्होंने अंदर बाहर देख लिया, इंतजार कर रहे कब बाहर आएंगे तब जाके मिले। देखिए दोस्तों इस तरफ ये टेंट जितने भी लगे हुए थे तंबू वाले वो सारे के सारे फुल हो चुके हैं। पब्लिक इतनी सारी है यहाँ पे। और ये खुला मैदान आप देखिए, यहाँ पर भी लोग अब यहाँ पर बिछा कर बिस्तर अब यहाँ पर रात गुजारेंगे सुबह दुआ तक के लिए। और दोस्तों पंडाल के एक कोने से दूसरे कोने में आने में ना आपकी अच्छी खासी हालत ख़राब हो जाती है। और माशाल्लाह यहाँ पर पब्लिक भी इतनी ज़्यादा है तो काफ़ी तकरीबन 300 एकड़ से ज़्यादा एरिया में यहाँ पर पंडाल लगे हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं भाई कितना टाइम लगता है इधर से उधर मूवमेंट करने में आपके लिए। खूबी तो तकाजों पे निकलने का मजा देख, अल्लाह के रास्ते में निकलने का मजा देख।